राजस्थान की बीजेपी सरकार ने महंगाई के इस दौर में एक बड़ी राहत कही जा सकती है जो राजस्थान के लोगों को देने की घोषणा की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री बजरंगलाल शर्मा ने राजस्थान के लाखों परिवारों को एक बड़ी खुशखबरी के तौर पर गैस सिलेंडर के दामों में राहत देने का काम किया है। 1 सितंबर से कई लोगों को सस्ता गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लाखों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 सितंबर से कई लोगों को सस्ता उपलब्ध होगा गैस सिलेंडर। 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना का बढ़ गया दायरा। विधानसभा में सीएम भजनलाल शर्मा ने इसको लेकर की थी घोषणा। एनएफएसए, बीपीएल और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को मिलेगा लाभ। 68 लाख परिवार को मिलेगा फायदा। बैंक खातों में आएगी सब्सिडी। 200 करोड़ रुपए का आएगा अतिरिक्त भार। राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जुड़े परिवार को बजरंगलाल सरकार अगले महीने से यानी कि 1 सितंबर से सस्ते रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। सरकार ने बजट में बीपीएल और उज्ज्वला कनेक्शन धारियों के साथ एनएफएसए परिवारों को भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। सरकार के इस निर्णय से अब करीब 68 लाख परिवारों को फायदा होगा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की गाइडलाइन की माने तो हर परिवार को हर महीने एक गैस सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाएगा। हालांकि इस परिवारों को सिलेंडर डिलीवरी करने वालों को तो उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितना सामान्य परिवार को देने होते हैं, लेकिन डिफरेंस राशि यानी कि सब्सिडी का पैसा सरकार लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर करेगी। वर्तमान में सरकार करीब 70 लाख परिवारों को सब्सिडी दर 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दे रही है। राजस्थान में इस समय एनएफएसए की सूची में 1,07,35,000 से ज्यादा परिवार है और इस एनएफएसए सूची में जुड़े कुल परिवारों में से करीब 37 लाख परिवार ऐसे हैं जो बीपीएल या फिर उज्ज्वला कनेक्शन धारियों की सूची में भी शामिल है। इस तरह से शेष करीब 68 लाख परिवार को जो केवल एनएफएसए की सूची में है उनको भी अब सस्ता सिलेंडर मुहैया होगा। अभी तेल कंपनियां सामान्य परिवारों को 14.5 KM घरेलू गैस सिलेंडर 806.50 रुपए में उपलब्ध करा रही है, तो वहीं केंद्र सरकार उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को 200 रुपए की सब्सिडी देती है। आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए तो अभी राजस्थान में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 1,07,35,000 से ज्यादा परिवार है और इसके अलावा उज्ज्वला और बीपीएल कनेक्शन के करीब 70 लाख परिवार है जिन्हें पहले से ही 450 रुपए का सिलेंडर दिया जाता है, लेकिन अब 450 की कीमत का सिलेंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में शामिल परिवारों को भी मिलेगा जिसकी संख्या 68 लाख है। यानी कि 68 लाख अतिरिक्त परिवारों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का फैसला भजन सरकार ने किया है और करीब 200 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा, लेकिन सरकार ने अपने घोषणा पत्र के वादे को धरातल पर उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।